जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको बहुत सारे वशीकरण के उपाय बताते हैं, तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा ही उपाय जिससे कि आप किसी भी स्त्री या महिला को या फिर पुरुष को अपने वश में कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो भी मात्र एक काले धागे और लौंग की सहायता से। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपको गुरुजी की तरफ से बना के दिखा रही हूँ मैं। हमारे गुरुजी जो कि बहुत ही ज्यादा सिद्ध पुरुष हैं, जिन्होंने बहुत सारे मंत्रों को सिद्ध किया हुआ है और उन्हीं मंत्रों की सहायता से वो आप सभी की मदद करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या है ये उपाय, तो हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे ही उपाय जिसमें कि आप किसी भी स्त्री या पुरुष को अपने वश में कर पाएंगे, वो भी मात्र कुछ घंटों के अंदर अंदर। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस की अपडेट तुरंत मिल जाएंगे। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक लौंग की जरूरत है और काले धागे की जरूरत है। जी हाँ, सबसे पहले आपको लौंग लेनी है और लौंग के ऊपर आपको उस व्यक्ति के नाम से मंत्र सिद्ध करना है जिस व्यक्ति को आप अपने वश में करना चाहते हैं। वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, आपका रूठा हुआ प्रेमी हो सकता है, आपकी पुरानी प्रेमिका हो सकती है जो आपकी जिंदगी से चली गई हो, या फिर कोई ऐसी व्यक्ति, ऐसा कोई पुरुष हो सकता है जिसने आपसे, आपके साथ उनका बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया और जिसकी वजह से उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो, ऐसा भी हो सकता है दोस्तों। तो अगर आप उन्हें अपने वश में करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपकी जिंदगी में फिर से वापस आ जाएं, तो आपको सिर्फ एक उपाय करना है। आपको एक लौंग लेनी है और एक मंत्र को आपको 108 बार बोलकर उस लौंग को अभिमंत्रित कर लेना है। ये मंत्र है, ओम नमो काम देवाय वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को आपको 108 बार बोलना है दोस्तों, और लौंग को अभिमंत्रित कर लेना है। उसके बाद लौंग को आपको काले धागे में लपेटना है। काला धागा आपको सिर्फ आधा मीटर लेना है। आधा मीटर धागे को लेकर आप उस लौंग पर अच्छी तरीके से लपेट दीजिए और इस लौंग को आपको अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाना है। दोस्तों, यकीन मानिए कि सुबह होते होते ही आपके पास उस व्यक्ति का कॉल आ जाएगा जिसके नाम से आपने इस लौंग को अभिमंत्रित किया होगा, और आपसे वो मिलने के लिए तड़पने लगेंगी जिनके नाम से आपने मंत्र किया है। वो आपको कॉल करेंगी, आपने अगर उन्हें ब्लॉक कर दिया है तो वो खुद सामने से उन्हें आपको अनब्लॉक कर देंगी और आपको खुद कॉल करेंगी, आपसे मिलने के लिए समय मांगेंगी। तो दोस्तों, आप इस उपाय को कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमारे नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा नंबर आपको वीडियो की स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, उस नंबर पर कॉल करके आप अपने सभी सवालों के जवाब हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, अगले वीडियो से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।